अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। बग्गा साहब स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सबसे पहले तो बहुत ही तगड़ी वाली तेजी बनी है शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में। सोचा नहीं था कि इतने भाग जाएंगे, कोई खास वजह सर? और दूसरी बात, बढ़ जब जाते हैं तो थोड़ा वो फिर ये मन में आता है कि टिकेंगे तो सही ना जी। देखिए, टिकने का तो बहुत मुश्किल है अनिल जी के कहना कि कहाँ जाएंगे, बट जो बढ़त आई उसके तीन मूलभूत कारण थे। एक तो उनकी जो रिटेल सेल्स थी जून की, 1% बढ़ी वो महीने दर महीने। अब इसमें आप एक पॉजिटिव है कि 1% बढ़ी यूएस इकोनॉमी जैसी में अगर रिटेल यू नो सेल्स बढ़ती हैं इतनी तेजी से तो बहुत ही एक उल्लास का ही मौका है, क्योंकि उधर आप देख रहे हैं कि कंज्यूमर स्ट्रांग है, तो ये बहुत अच्छा एक इंडिकेटर रहता है। इससे एक चीज आपको जो रियलिस्टिक देखनी है कि इन्फ्लेशन 1.3% बढ़ी, तो ये जो नॉमिनल 1% रिटेल बढ़ा है एक्चुअली नेगेटिव नंबर है अगर आप इन्फ्लेशन काट लेते हैं, बट उसको छोड़िए, हमें नॉमिनल देखना है अभी क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स नॉमिनल पे आएंगी तो वो बढ़ोतरी हुई। दूसरा था, पांच वक्ता फेड के आए थर्सडे और फ्राइडे को, जिन्होंने कहा कि 75 बेसिस पॉइंट आ रहे हैं। हमारी भी बातचीत हुई थी अनिल जी थर्सडे सवेरे, मैंने कहा था कि देखिए ये अब दूसरी तरह के सेंट्रल बैंक हैं जो सरप्राइज या झटका नहीं देना चाहते। इन्होंने 50 और 75 की बात की थी जून की बैठक में, तो अब जुलाई की बैठक में ये 75 ही करेंगे, एक की तरफ नहीं जाएंगे, तो इससे मार्केट को बहुत जबरदस्त राहत आई। तीसरा जो था अर्निंग्स, वो काफी अच्छे आए बैंक्स का। जैसे मैंने आपको पिछले मंगलवार को कहा था, बैंक्स 25 से 30% ईयर ऑन ईयर उनके अर्निंग्स गिरे थे, बट ये सब मार्केट को पता था क्योंकि बेसिक जो इशू है अनिल जी, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस उनकी अच्छी है, बट पिछले साल उनके राइट बैक थे लगभग $5 बिलियन के, और इस बार राइट ऑफ लेना पड़ा क्योंकि फेड ने जो नया एक तरीका बनाया है प्रोविजनिंग का, कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है आपको लोन लॉस प्रोविजंस अपफ्रंट लेने पड़ेंगे, तो लगभग $3.5 बिलियन इस तिमाही में बड़े अमेरिकन बैंक लेने वाले हैं, वो सबसे बड़ा इशू था। बट जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस थी, कंज्यूमर और बिजनेस दोनों बहुत अच्छे दिखे, और इसके चलते हमने देखा सिटी बैंक 10% बढ़ गया, चाहे उसकी जो परफॉर्मेंस थी -27% थी, तो 27% गिरा पिछले साल से प्रॉफिट, बट ज्यादातर वो लोन लॉस प्रोविजंस के कारण था जो पचाया हुआ था, और जब मार्केट ने देखा तो 10% उसको बढ़ा दिया। जो वेल्स फार्गो के खराब नतीजे थे वो 4.5% बढ़ गया, तो इस तरह से मॉर्गन स्टैनली 4% भाग गया, इसमें बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन आई। और ये हमें जरूर देखना है, साल में ये सारे स्टॉक्स बहुत जबरदस्त गिरे हुए हैं, फाइनेंशियल्स जो है अमेरिका में गिरे हुए हैं, अब जब इन्फ्लेशन आती है रेट्स बढ़ते हैं नॉर्मली आउट परफॉर्म करते हैं, यही मार्केट देख रहा था, और खराब नतीजों के बावजूद मार्केट आगे भाग गया। एक बड़ा एक्शन जो कमोडिटीज में लगातार होता दिख रहा है सर। सारे मेटल्स के दाम तेजी से घट रहे हैं, थोड़ा डॉलर इंडेक्स भी नीचे आया, उसका भी असर हो सकता है, और साथ ही आप देखें तो हमारी करेंसी में भी अब थोड़ा सा गिरना रुका है, ये कह सकते हैं। बताएं सर, दुनिया भर में जो मेटल्स का हाल है, कच्चे तेल का हाल है, और जो कुछ भी गिरावट आ रही है उसका क्या असर इन्फ्लेशन पर होगा, और फिर उस हिसाब से क्या ब्याज दरों पर 0.5% की बढ़ोतरी होगी, 1% की होगी, किस तरह से व्यूज़ बन रहे हैं ये बताएं सर। जी अनिल जी, देखिए कमोडिटीज बड़ी तेजी से गिरे हैं जून और जुलाई दोनों में, तो उससे राहत आएगी इन्फ्लेशन को जरूर, और डॉलर क्योंकि बढ़ा तो डॉलर में उनकी कीमतें घटी, 108 पॉइंट समथिंग पे डॉलर का पीक हो गया, आज 108 से नीचे आ गया डॉलर, तो अब यही हमें देखना है कि डॉलर का पीक कहाँ होता है, और जैसे हमने कहा मार्केट बॉटम कब बनेगा, जब पीक डॉलर हो जाता है, पीक इन्फ्लेशन हो जाता है, और पीक इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट आगे जाके भी बढ़ेगा बट मार्केट उसको ऑलरेडी पचा लेता है। अब आप 3 महीने का देखिए यूएस का पेपर या 2 साल का देखिए, 3% के ऊपर चल रहा है, तो वो यही दिखा रहा है कि दिसंबर तक का इंटरेस्ट रेट मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया है, तो इसको पीक रेट कहते हैं। मुझे यही लगता है सेप्टेंबर तक हमें
ये तीनों में पीक आते दिख जाना चाहिए एक स्थायी रूप में। और यूएस इलेक्शन भी है, जैसे मैं कहता रहा हूँ, अक्टूबर से बहुत तेजी से मार्केट भागता है यूएस इलेक्शन में। 12 महीने पहले इलेक्शन के मार्केट नीचे रहता है, उसके बाद एक साल जो आता है वो अच्छा मार्केट प्रदर्शन करता है। दूसरी बात, जब S&P 500 6 महीने में 20% या ज्यादा गिरता है, अगले 6 महीने औसतन 12% रिटर्न दिया है 1926 से। अब ये सब जो डेटा मैं देता हूँ औसतन है, 70% टाइम चलेगा, 30% शायद ना चलेगा, बट ये हमें एक इंडिकेशन देता है। कमोडिटीज में सबसे अहम बात रहेगी चाइना की, ज्यादा टाइम नहीं है, छोटे में यही कहूंगा कि चाइना का हाउसिंग मार्केट बिल्कुल बैठा हुआ है। साल दर साल सेल्स लगभग 70% गिरी हुई है, बट चाइना का जीडीपी में 18 से 20% योगदान उसके रियल एस्टेट से चलता है। और ग्लोबल मेटल, स्पेशली कॉपर हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, इस सब में चाइना का रियल एस्टेट बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और चाइना का रियल एस्टेट बैठा हुआ था, कल जो डिफरेंस आया है, एक तो उनके गवर्नर ने, उनका आरबीआई जो है, पीबीओसी कहते हैं, पीपल बैंक ऑफ चाइना, उन्होंने वक्तव्य दिया कि मॉर्गेज में आप पैसे डालिए, सारे बैंक्स डेवलपर्स को हेल्प करिए जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको खत्म करने के लिए, क्योंकि 100 सिटीज में चाइना में लोगों ने अपने मॉर्गेज की किस्तें भरनी बंद कर दी थी क्योंकि उनके मकान की कीमत उनके लोन से कम हो गई थी। तो लोगों ने कहा ले जाओ तुम मकान वापस, मैं अभी किस्त नहीं भर पाऊंगा। तो वैसा जो क्राइसिस आ रहा है चाइना में, उसको रोकने के लिए मुझे लगता है स्टिमुलस लेके आएंगे, और वो स्टिमुलस आता है तो मेटल्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। बट अभी हमें इन्फ्लेशन के लिए बहुत राहत है तेल की कीमत से। बाइडन की जो विजिट थी अनिल जी, वो थोड़ी मायूसी का सबब रही क्योंकि ज्यादा कुछ वो लेके नहीं आए। थोड़ा सा मार्केट खुश हुआ जब MBS जो सऊदी के युवराज हैं उन्होंने कहा कि हम प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाएंगे 1 मिलियन बैरल से, सो 12 से 13 मिलियन, बट प्रोडक्टिव कैपेसिटी उन्होंने बोला, प्रोडक्शन नहीं बोला। अब 3 अगस्त को पता लगेगा ओपेक की क्या मंशा है, क्या ओपेक बढ़ाएगा प्रोडक्शन के नहीं। तो ज्यादा बाइडेन को नहीं मिला इस विजिट से, ना वो डिफेंस करार कर पाए, वो इसराइल को लाना चाह रहे थे एक एंटी ईरान एक्सिस में, वो भी अरब्स ने माना नहीं क्योंकि उनकी पॉपुलेशंस इसराइल के खिलाफ काफी सेंटिमेंट है। तो तेल का बहुत दारोमदार रहेगा 3 तारीख को ओपेक क्या कहता है, बट जो डिमांड कम हो रही है और चाइना का, जैसे सवेरे भी नेहा बोल रही थी, मैं सुन रहा था, कोविड जो बढ़े हैं लॉकडाउन्स, तो वो अगर फिर से आते हैं तो डिमांड डिस्ट्रक्शन आती है, तेल फिर नीचे जाना चाहिए। तो पीक ऑयल अभी टाइम है, यही देखना पड़ेगा कितना नीचे जाता है। और एक और बात अनिल जी, जो बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स है वो थोड़ा नीचे जा रहा है क्योंकि, तो उससे क्या दिख रहा है कि सप्लाई चेन्स में जो इतना लॉक जैम था, जो रुके पड़े थे, वो अब उसमें से निकल रहे हैं, निवारण हो रहा है उसका, और ज्यादातर वो डिमांड कम होने के कारण हो रहा है। सो जो डिमांड थी बहुत तेजी से, वो अगर कम होती है तो इन्फ्लेशन के लिए वो भी अच्छा होता है। होपफुली पीक इन्फ्लेशन हो चुकी है, अब यही देखना है। हमें तो लगता है कि जुलाई की इन्फ्लेशन कम आएगी अमेरिका में, भारत में तो ऑलरेडी हमें एक थोड़ा सा कमी आते दिख रही है। तो जैसे जैसे कम आती है, जो यूएस के डेरिवेटिव मार्केट दिखा रहे हैं कि जुलाई में 8.6, अगस्त में 8.4 और सितंबर में 8.2 हो जाएगा, 9.1 से। सो काफी तेजी से इन्फ्लेशन अगले 3 महीने में यूएस में गिरती दिख रही है। जो एक सीएमई एक एक फिक्स होता है, वो उससे पता लगता है कि इन्फ्लेशन कहाँ दिख रही है लोगों को, तो वो नीचे आती दिख रही है अनिल जी अभी। तो वो बहुत पॉजिटिव रहेगी मार्केट्स के लिए। मेरा सोचना ये है थोड़े साइडवेज रह सकते हैं, बट सितंबर तक हमें एक बहुत पॉजिटिव दिशा मार्केट्स के लिए दिखनी चाहिए।